अस्सलामुअलैकुम। हम अभी है होजाई इस्तेमा में, जो कि 2024 इस वर्ष बहुत ही बड़ा हुआ है, बहुत लोग आए हुए और यहाँ में हमें जब फ्री टाइम मिला तो हम निकल के आके मार्केट घूमने निकले। यहाँ में टेस्टी खाना वगैरह देख के रुक नहीं पाए और थोड़ा थोड़ा चखने के बाद, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदा भी, जो बचपन में हमें पसंद था। बचपन में एक टाइम हम लोग बहुत खुश होते थे ये सब देख के, और वही सब याद लेके फिर वो बचपना जो दुनिया एक जो खो गया है अब कहीं दूर, तो वही सब में थोड़ा रहा। और फिर हम फिर वहाँ से निकल के आए और थोड़ा सामान वगैरह लिया, और फिर हमने प्लानिंग किया कि हमें अब बाकी जो भी अंदर में सामान वगैरह सिजिल करना है वो सिजिल करते। और रात का वक्त था क्योंकि हम लोग का जैसा होता रहता है, और 10 बजे के बाद वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए समय दिया जाता है। सुबह फजर नमाज तक तो हम लोग क्या करते, 10 बजे के बाद फ्री होते तो फिर थोड़ा यहाँ वहाँ घूम सकते, और फिर जितना जल्दी हो सके हम इस्तेमा में अपना काम करके सुबह किसी तरह तहज्जुद नमाज का समय निकाल के वो नमाज पढ़ने के बाद फिर फजर के लिए हम लोग तैयारी करें। और फजर नमाज के समय तो आपको मालूम ही है कि आपका मतलब खुलता है आँख, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत नींद भी आता है। और फिर ईमान अगर मजबूत हो, अगर हौसला हो तो सब कुछ मुमकिन है। तो हमने जो है पहले सारा कुछ रेडी कर लिया, कपड़ा वगैरह सब ठीक करके फिर हम लोग खाना खाने प्लान किया। और फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग टेंट पे पहुँचे। टेंट पे पहुँचने के बाद हम लोग सोने का व्यवस्था किया, क्योंकि इतने सारे लोगों के बीचों बीच हमने मतलब प्लान किया कि हम बीच में ही सोएंगे, एक्स्ट्रा बाहर टेंट नहीं लगाएंगे। फिर आराम से सोने का तैयारी किया और फिर हम लोग सोया। और सुबह तहज्जुद नमाज के बाद, फजर नमाज के बाद फिर हम लोग चाय पीने के लिए थोड़ा बाहर निकले थे, और बाहर निकलने के बाद फिर धूप निकला हल्का सा, फिर ज़ोर से धूप निकला और टिप टिप बारिश भी गिर रहा था। तो ये सब के बाद फिर हम लोग दुआ में शामिल हुआ, फिर दुआ करके हम लोग वहाँ से निकल पड़ा। तो दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली के साथ रहिए, और अच्छा सोच रखे और लोगों के बारे में अच्छा सोच रखे, आपका मन्नत हमेशा पूरा होगा।